और कल हमनेचर शुरू कर दिया था मैंने आपको रोमांटिक पीरियड तक जो है इनका ये समझा दिया था अब हम आ जाते हैं इनके रियलिज्म के पीरियड में तो एटीन थर्टी सेवन से नाइनटीन जीरो वन तक ब्रिटिश लिटरेचर में ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में हम विक्टोरियन एज मान रहे हैं और विक्टोरियन एज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रियलिज्म का uh, हमेशा मैं एक्शन रिएक्शन से आपको चीजें समझाती हूँ कि रोमांटिक एज में जो ये हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स पे जो फोकस था पोइट्री का रोमांटिक फार अवे फिनटेस्टिकल लोकेशन का जो फोकस था फिनटेस्टिकल थीम्स पे जो फोकस था तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन आता है रियलिज्म में रियलिज्म असेंशली मीन्स प्रजेंटिंग रियालिटी एज इट इज तो जिस पीरियड में यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी है जब ब्रिटेन में रियलिज्म चल रहा था लिटरेचर में अमेरिका में भी रियलिज्म चल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ नेचुरलिज्म भी चल रहा था नेचुरलिज्म इज़ असेंशली एन ऑफ शूट ऑफ रियलिज्म जिसके अंदर वी लुक एट ह्यूमन लाइफ एज गवर्न

ऑफ द रोमांटिक एज तो ये जो प्रोज फिक्शन में जो रोमांस हमें के में देखने को मिल रहा था या फिर हर्मन मेलविल के नॉवल्स में देखने को मिल रहा था उसके अगेंस्ट ये लोग अपने रियलिस्टिक वर्कस को प्रजेंट करेंगे ठीक है रियलिस्टिक ऑथर्स ने अपने नॉवल्स में रियालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग मोटिवस या टूल्स का यूज किया था फॉर एग्जाम्पल रियल अमेरिकन लैंडस्केप्स को रिप्रेजेंट किया था जैसे कि यहाँ से यू जी सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है मार्क ट्वेन के वर्क्स में आपको जो उनके नॉवेल्स की सेटिंग है वो जनरली मिसेसिपी रिवर री, रीजन के अराउंड दिखेंगी ये काफी पुराना यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है है तो रीजनल नॉवेल्स पे जो है, फोकस काफी ज्यादा इस पीरियड में आ गया था ब्रेड हार्टे जो है उनके नॉवेल्स आपको कैलिफोर्निया के देखने को मिल रहे हैं सारा ऑन जोएट के नॉवल्स मेन में देखने को मिल रहे हैं मैरी विल्किन स्ट्रीमन के नॉवल्स मैसेच्यूसट में देखने को मिल रहे हैं जॉन डब्ल्यू केबल केट चौपिंग लुइजियाना में देखने को मिल रहे हैं तो रीजनल नॉवेल्स का ट्रेंड बहुत बड़ा

ठीक है जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द मॉडर्न एज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंडिविजुअल रियलिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिखाया जा रहा था इसलिए कन्फेशनल पोइट्री एक फॉर्म ऑफ पोइट्री की तरह जो है इस पीरियड में डेवलप कर जाती है फॉर एग्जांपल हम विटमेन की पोइट्री जो है वहां से हम मूव अवे कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस जैसे पोइट्स अब सिनारियों में आ रहे हैं पर्टिकुलरली इन द मॉडर्न एज एमिली डिकिन्सन जैसी पोएट्स हैं ये अपने लाइफ के बारे में अपने लिव्ड एक्सपीरियंस के बारे में अपनी इंटरमेट लाइफ की डिटेल्स के बारे में लिख रहे थे तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसिस पे जो है पोएम्स को बेस कर रहे थे साथ ही साथ अब एफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स का भी आ, और ज़्यादा हमें रिसर्ज इस पीरियड पर देखने को मिलता है बिकॉज अब बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो एफ्रो अमेरिकन थे अर्स्ट वाइल्ड स्लेव्स थे सो दे वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम देर बॉन्डेज फ्रॉम देर स्लेवरी सो नाउ दे हैव टेकन अप राइटिंग एज अ प्रोफेशन टू शेयर देर एक्सप्री Experiences with the world. So we have writers like Paul Lawrence Dunbar, for example. जो एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर थे और उन्होंने पोइट्री नॉवल्स दोनों लिखा है इस पीरियड में स्टीफन क्रेन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं इस पीरियड के जैसे जैसे हम मॉडर्न एज में जाते जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस के साथ साथ एजरा पाउंड जैसे पोएट्स हैं जो अपनी इमेजेस पोइट्री से पोइटिकल ट्रेंड्स को चेंज कर रहे थे तो हम रियलिज्म से ही धीरे 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 करके जो है मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे नेचुरलिस्टिक पीरियड मैंने आपको बता दिया है नेचुरलिज़म अगर हम अपने ब्रिटिश लिटरेचर में बात करें तो नेचुरलिज्म ब्रिटेन में एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन बाकी यूरोपियन नेशंस में था फॉर एग्जांपल फेमस नॉर्वेजियन राइटर हैं हेनरी किप्सन उनके जो वर्क्स उनके जो प्लेज हैं वो असेंशली नेचुरलिज़म की कैटेगरी में फॉल करते हैं नैचुरिज्म में जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ्स को हम देख रहे हैं एज गवर्न बाय द फोर्स द इमिनेंट फोर्सेज ऑफ नेचर सो से आपकी हेरिडिटरी जो इम्पैक्ट्स हैं आपकी लाइफ पे या फिर किसी तरीके की कोई वायरल डिजीज़ है कोई वेनरल डिजीज है कोई एस है जो फैली हुई है तो उस वो जब आपको अगर हो गई तो अब आपकी लाइफ कैसी रहेगी तो इन तरीके के इशूज़ जो है वो नेचुरलिस्टिक लिटरेचर में कवर हो रहे थे अमेरिका के राइटर्स भी जो है इसी ट्रेंड में लिखना उन्होंने भी शुरू किया था फ्रैंक नॉरिस जैक लंटन थियोडोर ड्रेसियर ये कुछ राइटर्स हैं जो कि नेचुरलिज्म फील्ड को जो है इस, इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे अब जिस पीरियड में इंग्लैंड में रियलिज्म या यूरोप यौर, में रियलिज्म सॉरी मॉडर्निज्म शुरू हो जाता है उसी पीरियड में अमेरिका में भी मॉडर्निज्म शुरू हो जाएगा और मॉडर्निस्ट लिटरेचर के कुछ बहुत ही स्पेसिफ़िक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोगों ने कई बार इन लोगों को क्लासेस में जो है डिस्कस किया हुआ है फॉर एक्ज़ाम्पल आपका जो <clears throat> आपकी जो टाइमलाइन है उसके साथ एक प्ले अराउंड होता है वो जो टिपिकल एक हमारा एक, एक, एक क्या कहते हैं टाइमलाइन रहती है पास प्रेजेंट फ्यूचर की उसको डिस्टॉर्ट करके टाइम के कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिटरेरी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है अनरिलाइबल नैरेटर का यूज़ किया जा रहा है है ना तो इस तरीके की टेक्निक्स जो हमें ब्रिटिश या फिर यूरोपियन लिटरेचर में देखने को मिल रही थी वो हमें अमेरिकन लिटरेचर में भी देखने को मिल रही थी पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स हैं वो उतने ही जितने यूरोप पे थे उतने अमेरिका पे भी थे तो अमेरिका में जैसे फॉर एग्जांपल पोइट्री में मैंने आपसे बात की राइटर्स थे जो जनरली एक्सपैट्रिएट थे टी एस एलियट हो गए एजरा पाउंड हो गए ये लोग अमेरिकन ओरिजिन के राइटर्स हैं बट इन्होंने अपनी फेम और सक्सेस इंग्लैंड में आके हासिल की थे असेंचुअली ये लोग अमेरिकन टी एस एलियट और एजरा uh, पाउंड आप लोग जानते हैं ये दोनों के दोनों फ्रेगमेंटेड स्टाइल में पोइट्री लिख रहे थे जहाँ पे टी एस एलियट ड्रामेटिक मोनोलोग या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करके डिस्टॉटेड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहीं एजरा पाउंड अपनी इमेजस्ड पोइट्री से हाइकू से स्मॉल इमेज पोइट्री के ट्रेंड से जो है एक फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो ये कुछ क्लासिकल हमारे राइटर्स हैं जो इस पीरियड के मॉडर्न एज में लिख रहे थे अमेरिका में मॉडर्न एज में ड्रामा का भी डेवलपमेंट जो है काफ़ी हद तक होता है काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाता है सिर्फ पोइट्स ही नहीं ड्रामेटिस भी थे नॉवल्स का डिवेलपमेंट भी अच्छा खासा इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक लिस्ट है बहुत अच्छी बहुत ही एक एग्जॉस्टिव सी लिस्ट है ये लिस्ट आप लोग जो है एक बार ज़रूर रीड करना जिन भी राइटर्स के यहाँ पे नेम्स हैं ठीक है सो अमंग द नोटेबल पोएट्स यहाँ पे एडगर ली मास्टर्स एडविन आर्लिंगटन रॉबिनसन रॉबर्ट ट्रॉस कार्ल सन्सबर्ग वॉल स्टीवेंस विलियम कार्लॉस विलियम्स एजरा पाउंड टी एस एलियट है ना ई e. कमिंग्स कुछ बहुत ही फेमस राइटर्स के के नेम्स यहाँ पे हैं एक बार सब राइटर्स को एक बार देख लेना हमेशा मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिखा है उसको अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ना है आपने

सिंटैक्टिकल स्टाइल्स जो है उन्होंने शुरू किए थे और उन्होंने सिंटैक्टिकल रूल्स के साथ जो है प्ले अराउंड किया है उनको ट्विस्ट एंड टर्न किया है तो इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आपने एक नाम देखा आपने सिर्फ नाम को देख के आगे नहीं बढ़ना है आपने देखना है कि ये जिस जिसका नाम मैंने बुक में पढ़ा है ये कौन है ये कहाँ से आया है तो अगर आप ऐसे करोगे तो काफ़ी हद तक सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत सारा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो ठीक है इमेजेस पोइट्री में हमने पहले भी डिस्कस किया था इमेजिज्म जो है उसमें पर्टिकुलरली एमी लोवेल आफ्टर आ, एज, आ, आफ्टर एजरा पाउंड लेफ्ट द लीडरशिप ऑफ द इमेज ग्रुप द नेक्स्ट लीडर वॉज एमी लोवेल और इन्हीं के ग्रुप में एच हिल्डा डूलिटल भी थी जो एक बहुत ही फेमस इमेज पोएट थी तो ये कुछ राइटर्स हैं जो उस पीरियड में लिख रहे थे प्रोज फिक्शन की अगर हम बात करें अमेरिका में तो एडिट वॉर्टन सिंक्ले ल्यूस एल एन विला कार्थर गर्चीवुड स्टीन शेवुड एंडरसन जॉन डॉस पासोस एफ स्कॉट फिज जैरल विलियम फॉकनर एर्नस्ट हेमिंगवे जैसे हमारे क्लासिकल राइटर्स थे एंड ऑफ दैन वी ऑल्सो हैव आर द क्या, क्या कहते हैं शॉन ओ केसी जैसे विलियम टेनेसी जैसे कुछ और क्लासिकल राइटर्स हैं हमारे पास एडवर्ड एल्बी जो कि क्लासिकल अमेरिकन मॉडर्निस्ट ड्रामेटिस्ट थे इनको भी आप लोग जो है अलग से स्पेशली कवर कर सकते हैं अगर हम पर्टिकुलरली एफ कॉल्ड एफ़ स्कॉटफि जनरल की बात करें तो उनका जो लिटरेचर है उन्होंने जैज एज को जो है काफ़ी बढ़ावा दिया था अपने वर्क में सो so, असेंशली uh, ये जो टर्म है द जैज एज ये इनके वर्क्स के साथ ही असोसिएटेड है उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था टेल्स ऑफ द जैज एज तो नाइनटीन ट्वेंटीज़ का जो असेंशली पीरियड है वो जो पूरा डेकेड है नाइन्टीन ट्वेंटीज़ का उसे हम जैज एज मानते हैं और उस उस पीरियड का बहुत ही कमाल का एक रिप्रजेंटेशन जो है वो इनके वर्कस में हमें देखने को मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्रेट गैट्स द ग्रेट गैट्सबी के कैरेक्टर्स कई बार यू नेट में पूछे गए हैं इसके अलावा कुछ और राइटर्स थे पीरियड के जो कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को बिलोंग करते थे बीट डाउन थे या फिर अफ्रीकन अर्स स्लेव्स लेवस थे अफ्रीकन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे तो उन्होंने भी अपने जो जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसका रिप्रेजेंटेशन लिटरेचर में दिखाने की कोशिश की जिसे हम हार्लेम रेनेसो के नाम से भी जानते हैं अब हार्लेम रेनेसो क्या है और इसके साथ राइटर्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं ये नेट में कई बार पेपर में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये ये ठीक है ये कुछ famous हमारे हैं. जो कि के साथ एसोसिएटेड थे प्लीज रिमेंबर स्कूल ऑफ पोइट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं तो यहां से आपको जो है तैयारी करनी होगी अब यहाँ से एक और टर्म है जो हमारे पास निकलती है, जो अमेरिकन लिटरेचर के साथ इंट्रेंसिकली कनेक्टेड है वो है ऑफ द लॉस्ट जनरेशन यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये टर्म किसने कॉइन की थी तो ये टर्म कॉइन करने वाले गर्ट्यूड स्टीन थे ये यूजीसी में पास्ट में पूछा गया ये अभी आई थिंक रिसेंटली भी एक क्वेश्चन जो है कहीं पे आया है तो लॉस्ट जनरेशन के आ, राइटर्स असेंशली वो राइटर्स थे जिनका बर्थ अमेरिका में हुआ है बट देन लेटर ऑन पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन वो आ, किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए से वो यूरोप चले गए हैं सो गर्ट स्टीन खुद इस कैटेगरी में फॉल करते हैं इसके अलावा अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गए एजरा पाउंड हो गए टी एस एलियट हो गए ये सभी राइटर्स कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी के हैं तो ये वो राइटर्स हैं असेंशली जिनका बर्थ अमेरिका में हुआ है और इनकी अपब्रिंगिंग जो है वो वर्ल्ड वॉर की ईरा में हुई है और वर्ल्ड वॉर क्योंकि उन्होंने अपनी इस अडोलसेंस पीरियड में अपनी अर्ली यूथ में देखा तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लाइफ की तरफ एक सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस फील हो रही है डिसल्यूजनमेंट फील हो रहा है जिसको वो ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने राइटिंग्स के थ्रू ट्रैवल्स के थ्रू मीनिंगलेस ड्रिंकिंग के थ्रू मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स के थ्रू बार हॉपिंग के थ्रू तो आपको कुछ इन इन राइटर्स के वर्ग्स के कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे केयरलेस कैरेक्टर्स हैं इंगेजिंग इन मीनिंगलेस सेक्स एंड मीनिंगलेस ड्रिंकिंग बार हॉपिंग ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड विद नॉट अ वरी ऑन द हेड तो इस तरीके के वर्क्स आपको इन राइटर्स के वर्क्स में देखने को मिलेंगे कैरेक्टर्स इन राइटर्स के वर्क्स में देखने को मिलेंगे सो लॉस्ट जनरेशन ये है और टर्म कहाँ से आया है वो हमारे पास यू जी सी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाइल राइटर्स थे असेंशली ये सारे के सारे ठीक है तो ये आपका जो है मॉडर्न ऐज का अमेरिकन लिटरेचर हो गया अब जैसे पोस्ट मॉडर्न एज हमारे पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू शुरू होती है यूरोप में सिमिलरली अमेरिकन लिटरेचर में भी हम वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हो जाता है और उसके बाद का जो सारा पीरियड है वो हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर एज माना जाता है इस पीरियड में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमें और देखने को मिल रहे थे हमारे लिटरेचर में जैसे कि जो रशियन फॉर्मलिज्म जो शुरू हुआ था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल के साथ या फिर प्राग लिटरेरी सर्कल के साथ वो नाइनटीन में रिसर्जेंस ले लेता है अमेरिका में असेंशली जितने भी हमारे प्रैक्टिकल क्रिटिक्स या रशियन फॉर्मलिस्ट थे जो इवेंचुअली uh, जाके यू सेटल से हो गए वहाँ पर उन्होंने रशियन फॉर्मलिज्म या फिर

साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहाँ की नेचर पे लिख रहे थे सिंपल लिरिकल पोएम्स लिखने में बिलीव करते थे एग्रीकल्चरल थीम्स पेस्टोरल थीम्स को अपने लिटरेचर में लिख रहे थे एंड देन यू नो दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ़ फिलोसफर्स नोन एज फ्यूजिटिव्स Okay. Yeah, essentially again, these were the people who were associated with the school of poetry, school of thought, university educated, and they were well versed in Western philosophy and Western theory. And uh, they were using those theories uh, in their current scenario. राइट right. सो so, ये कुछ हमारे फेमस इस पीरियड के राइटर्स थे देन अलग अलग अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग क्या um, कहते हैं जो स्कॉलर्स थे प्रोफेसर्स थे उनके भी छोटे छोटे लिटरेरी सर्कल्स बन गए जैसे कि न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल्स का स्कूल बन गया या फिर आपके पास ब्लैक माउंटेन पोएट्स हमारे पास बन गए फायर साइड बन गए ये छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स भी हमारे पास यहाँ पे आ गए थे तो अब इन, इन, इन एक एक ग्रुप में कौन कौन से राइटर हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से जैसे न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल्स में कौन कौन इंक्लूडेड थे फिलिप रॉल्फ एल्ब्रिड काजिन मैकडोनल्ड हाउ इसके बाद अगर हम ब्लैक ब्लैक माउंटेन पोएट्स को देखें तो चार्ल्स ऑल्सन रॉबर्ट क्रीली रॉबर्ट डंकिन एटसेट्रा न्यूयॉर्क पोएट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आ, आ जाते हैं फ्रैंक ओहारा कैनिथ कोच जॉन आशली इसके अलावा ऊपर कुछ दो नाम दिए हुए। जैक हमने कल ही इनको डिस्कस फटाफट -फट कौन से फटाफट -फट -फट से बता दीजिए कल ही डिस्कस किया है ये जो एक दिन पहले डिस्कस किया एटलीस्ट अगले, अगले दिन उसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो मैं रिज्यूम कर रही हूँ आप इसको वन डे एट अ टाइम लेकर चल रहे हो वन डे टाइम लेकर चलो चीजों को बहुत सारा सिलेबस है uh, लेकिन अगर आप वन डे वनडे टाइम चीजों को लेकर चलोगे जो मैंने आज देखी है चीजें मैं उसको परफेक्ट कर लूंगा उसको परफेक्ट कर लूंगी इस तरीके से ठीक है बीट जनरेशन वेरी गुड शांतला बीट जनरेशन से बिलोंग करते हैं एलन गिन्सबर्ग और जैक रॉक तो सभी जो स्कूल ऑफ पोएट्स हैं इनके साथ ये इस तरीके की राइटिंग जो है एसोसिएटेड थी मैं आपको बताना चाहती हूँ मोस्ट ऑफ दीज राइटर्स यहाँ पर देवर नॉट राइटिंग एक्सपेरिमेंटल पोइटरी देवर असेंशली ट्रेडिशनलिस्ट सिंपल लिरिक्स यूज कर रहे थे अपनी पोइट्री में टाइम को को uh, मेसअप नहीं कर रहे थे एग्रेरियन सोसाइटी एग्रीकल्चर अमेरिका अमेरिकन लैंडस्केप्स और अमेरिकन नेचर अमेरिकन पास्टोरल्स को अपनी पोइट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन पोइट्स की हमने बात किया फिर हमने फायरसाइड पोइट्स की बात की सिंपल लिरिक्स लिखा

चलिए सो so, ये था आपका पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं कई बार यूट्यूब पे इसकी क्लास सेपरेटली ले चुकी हूँ इस टॉपिक को हम सेपरेटली किसी दिन एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे बिकॉज़ मेरे हिसाब से लिटरेचर पढ़ने से पहले ये पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री सभी को पता होनी चाहिए तो मैं इसको इस टॉपिक में नहीं कवर करूँगी इसको छोड़ देते हैं इसको हम अलग से इसका एक सेशन बनाएंगे उसमें इसको कवर करेंगे आज हम आगे बढ़ जाते हैं अपने लेटर्स में मैं आ गई हूँ पेज नंबर 286 पे 286 में हम परसोना टोन एंड वॉइस की बात कर रहे हैं ठीक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट डिस्कशन का रहने वाला है इसके साथ कुछ थियोरीज और थियोरिस्ट एसोसिएटेड है उनको भी हमें समझना होगा देखिए मैंने जब भी आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाया है मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर हम पोइट्री देखें तो जितनी भी हमारे पास पोएम्स हैं वर्ल्ड में हम सभी को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक होती है नैरेटिव पोएम एक होती है लिरिकल पोएम और ये पोएम नैरेटिव है या लिरिकल है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो जो स्पीकर है पोएम का, uh, का या जो परसोना है पोएट का या जो वॉइस है जो हमें वो पोएम नारेट कर रही है वो अपनी कहानी सुना रही है पर्सनल मतलब ऑटोबायोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से या फिर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रही है या वो किसी और की कहानी सुना रही है नॉवल्स भी जब हम पढ़ते हैं तो नॉवल्स को जनरली हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन नरेशन में डिवाइड करते हैं और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपकी स्टोरी का नैरेटर है उसके पास डिग्री ऑफ नॉलेज क्या है वॉट इज हिस डिग्री ऑफ नॉलेज क्या उसको सारी चीज़ें पता है कहानी के बारे में तो इन दैट केस वो थर्ड पर्सन नैरेटर हो जाएगा या फिर वो खुद स्टोरी का पार्ट है इसकी वजह से वो एक लिमिटेड परस्पेक्टिव के साथ आ रहा है वो हमें भी लिमिटेड परस्पेक्टिव दे पा रहा है एज रीडर्स तो वो एक फर्स्ट पर्सन नरेटर हो गया है ना तो इससे हम एक बात समझ में आती है कि नंबर ए आप जो भी कहानी पढ़ रहे हो आप जो भी नैरेटिव पढ़ रहे हो आप कोई भी लिटरेरी वर्क पढ़ रहे हो ये सब स्टोरीज हैं ये सब नारेशन हैं तो लिटरेचर में यहाँ पे हम इसके लिए वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं डिस्कोर्स ठीक है डिस्कोर्स हम वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि सभी जो चीजें हैं ये कही गई हैं कोई तो ये कहानी सुना रहा है हमें बता रहा है हम इसको रीड जरूर कर रहे हैं बट ऐसा लग रहा है उसको पढ़ते हुए कि कोई है जो हमें ये कहानी सुना रहा है बता रहा है तो एक डिस्कोर्स क्रिएट हो रहा है उस लिटरेरी वर्क से जिसको हम रीड कर रहे हैं अब उस डिस्कोर्स का जो स्पीकर है वो कौन है क्या वो हमारा पोइट खुद है क्या वो पोएट ने एक अज्यूम पर क्रिएट कर लिया है यहाँ पे क्या उसने वो ड्यूटी हम पे छोड़ दी है कि हम ही इमेजिन कर लें कि कौन ये स्पीकर होगा या फिर वो क्लियर कर रहा है कि एक थर्ड पर्सन नैरेटर है जो एक कहानी हमें सुना रहा है जो एक ओमनी सी एन काइंड ऑफ नैरेटर है तो नैरेटर्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं लेकिन हमारी स्टोरी में हमें वो नैरेटर कौन दिख रहा है कैसा दिख रहा है उसकी पर्सनैलिटी क्या है वो हमें जो है समझनी पड़ती है वो इस एस्पेक्ट में हम जो है सेंचुअली यहाँ पे समझेंगे ठीक है सो यहाँ पे ये तीन टर्म्स हैं जो इंटरकनेक्ट बट हम ऑफकोर्स एक एक करके सेपरेटली तीनों को देखेंगे टोन एंड वॉइस ठीक है सबसे पहले हम ले रहे हैं टर्म परसोना को ट्रेजिडीज होती थी या uh, रोमन जो पब्लिक इवेंट्स होते थे वहां पे जो स्पीकर होता था चाहे वो एक पोएट है चाहे वो एक ओल्ड स्पीकर सिंगर है चाहे वो बैलेड सिंगर है चाहे वो एक ड्रामा का कोरल कैरेक्टर है कोरस है जो भी वो स्पीकर है वो चेहरे पे मुखौटा पहनता था मास्क लगाता था तो उस उसका जो मास्क है उसको परसोना पहले बोलते थे ठीक है इन द एनशियन ग्रीक्स, लैटिन सोसाइटी सो परसोना असेंशली वो थिएटर स्पीकर जो है आर्टिस्ट है उसका मास्क था धीरे धीरे करके दिस बिकेम दिस परसोना वर्ड केम टू बी नोन एज ड्रामेटिस परसोने मतलब आपको प्ले से पहले बताया जा रहा है कि मुखोटा पहनने वाले या ऐसे मुखोटा, मुखोटा मास्क पहन के बोलने वाले कितने कैरेक्टर्स आपको स्टेज पे दिखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको आप गो थ्रू करोगे इन द कोर्स ऑफ दिस ड्रामेटिक वर्क सो वो ड्रामेटिस परसोने के नाम से जाने जाने लगे तो so, ड्रामेटिस परसोना देन बिकेम द लिस्ट ऑफ द स्पीकर्स दैट यू आर गोइंग टू फाइन इन द कोर्स ऑफ द ड्रामेटिक वर्क तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी लिटरेरी वर्क में जो स्पीकर है वॉइस किसकी आ रही है कहाँ से आ रही है वो आपका परसोना बन जाता है क्यों क्योंकि परसोना वर्ड को अगर आप देख रहे हो तो मतलब हम समझ रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल है जो ना सिर्फ है, है, कि सिर्फ़ एक स्पीकर है बट एक पर्सनैलिटी है एक इंसान है अपने आप में मतलब भगवान से आवाज़ नहीं आ रही है आवाज़ आ रही है तो मतलब किसी इंसान की आ रही हो, होगी तो कोई पर्सन है यहाँ जो आपका स्पीकर है जो आपको कहानी सुना रहा है तो ये जो परसोना है आपका अगेन ये आपको लिरिकल पोयम में अपनी पर्सनल स्टोरी भी सुना रहा हो सकता है एक नैरेटिव पोयम में आपको एक थर्ड पर्सन स्टोरी भी सुना रहा हो सकता है तो नैरेटर तो कई तरीके के हैं जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट की बुक वन में एक विजनरी फर्स्ट पर्सन नैरेटर है गालिवर्स ट्रैवल का गालिवर है जो अपनी मिस एडवेंचर्स की स्टोरी सुना रहा है एलेक्जेंडर पोप के एपिस्टल टू तो डॉक्टर आर्बर्ट नॉट में भी एक स्पीकर है जो अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा है हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स में भी एक नैरेटर है जो अपनी कहानी सुना रहा है नैरेटर तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के माई लास्ट डचेस में भी है जिसमें जो ड्यूक का कैरेक्टर है वो अपनी कहानी ड्यूक फरैरा अपनी कहानी सुनाता है नैरेटर तो आपको विलियम वर्सवर्थ के टिनटन एबी में भी मिल जाएगा जो हम समझ रहे हैं कि प्रॉबेबली विलियम वर्थ्सवर्थ का खुद का पर्सोना है तो नैरेटर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं लेकिन वो जो नैरेटर है उसकी उसका पर्सोना क्या है उसकी पर्सनैलिटी क्या है वो है कौन इंडिविजुअली ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है तो ड्रामेटिस आप का जो परसोना है किसी भी स्पीकर का ऑफ योर नरेशन ऑफ अ डिस्कोर्स वो वेरी वेरी कर सकता है किस तरीके से कुछ वर्क्स हैं जहाँ पे हमें पता है कि वो स्पीकर का खुद का एक्सपीरियंस है वो अपनी ही कहानी यहाँ पे सुना रहा है फॉर एग्जाम्पल ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स की ठीक है यहाँ पे हमें 100 परसेंट पता है कि जॉन कीट्स ही हैं जो ये अपनी कहानी सुना रहे हैं विलियम वर्थ्सवर्थ की टिंटन आबी की हमने बात की इसमें हमें पता है कि वो खुद एज़ अ स्पीकर हैं उनकी सिस्टर डोरेथ उनके साथ है तो वो अपनी कहानी तो यहाँ पे जो परसोना है वो खुद पोइट का परसोना है दूसरी तरफ कुछ पोएम्स हैं जहाँ पे हम कही कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा गैप रहता है हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्पीकर है ये हमारा पोएट होगा जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की द सोलिटरी रीपर उसमें हमें हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी नहीं है कि जो स्पीकर है वो पोएट है या नहीं बट हम अज्यूम कर रहे हैं काफ़ी हद तक वो हमारा पोएट ही है जैसे कि अभी पीछे मैंने बोला अलेगजेंडर पोप की एन एपिस्टल टू डॉक्टर आरबर्ट नॉट उसके अंदर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो uh, ये जो स्पीकर है हमारा इस पोएम का वो खुद अलेक्जेंडर पोप है थोड़ा सा वहां पे जो है गैप रह जाता है लेकिन 100% परसेंट नहीं शोर है हम थोड़ा सा हम शोर है कि वो वही हमारा जो है स्पीकर है अब जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस है इसमें हमें हंड्रेड परसेंट गारंटी से पता है कि जो स्पीकर है इस पोएम का वो ड्यूक फेरेरा है वो खुद रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है या फिर फ्रालिपोलिपी है रॉबर्ट ब्राउनिंग की उसमें जो स्पीकर है उस डिस्कोर्स का जो परसोना है जो बोल रहा है का सुना रहा है ये कहानी वो फ्रालिपोलिपी uh, की है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की नहीं है हाँ लाइक पोर्ट्रेट एन आर्टिस्ट एज एंग मैन बिल्कुल तो जो परसोना है वो काफ़ी हद तक जो है चेंज होता रहता है कुछ वर्क्स में हमें गारंटी से पता होता है वो कौन है कुछ में हमें पता होता है वो बिल्कुल पोएट नहीं है कुछ में हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है कि प्रॉबेबली ये हमारा पोएट ही होगा नेक्स्ट यहाँ से जो वो त, आ, हमारा टर्म निकलता है वो है टोन का टोन जनरली इन सिंपल टर्म्स जब हम एवरी डे स्पोकन लैंग्वेज में टोन की बात करते हैं तो हम जनरली इंटोनेशन देखते हैं कि आपकी जो बोलते वक्त आप कि जो एंडिंग साउंड है वो हाई नोट पे जा रही है लोअर नोट पे जा रही है बेस्ड ऑन दैट आपकी टोन के और हम उसको एक सब्जेक्टिव मैटर मान के चलते हैं एक पर्सनल मैटर मान के चलते हैं स्पीकर के पार्ट पे कि स्पीकर जैसे टोन यूज़ करना चाह रहा होगा प्रॉबेबली वो वैसे ही कर रहा होगा लेकिन लिटरेचर में हम ऐसा नहीं मानते पर्टिकुलरली आई रिचर्ड्स ने जैसे कि टोन की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन अपनी दी थी इन फेमस वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के चैप्टर वन और चैप्टर थ्री थ्री में नोट कर लो क्योंकि आजकल नेट में ऐसे सवाल भी बन रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बुक के किस चैप्टर में ये बात कही गई है ठीक है सो कैंटेबरी टेल्स का जो प्रोलोग है आद्या अगेन अगेन वही कैंटेबरी टेल्स में जो परसोना है जो हमारा uh, जनरल प्रोलोग है वो फर्स्ट पर्सन में है जो हमारा uh, क्या कहते हैं uh, बाकी जो टेल्स हैं फिर या फिर जो हमारे आगे की जो स्टोरी है मेन वो थर्ड पर्सन में सडनली आ जाती है फिर एक एक करके हमारे जो स्पीकर है वो इंडिविजुअल परसेप्शन उठा लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में वो जगल करता रहता है ठीक है ना सो so, इस तरीके से तो हर वर्क के अंदर जो है परसोना वो चेंज एक ही वर्क में मल्टीपल परसोना भी हो सकते हैं कई वर्क जो है वो सिंगल परसोना से भी लिखे जाते हैं टोन की बात जो है वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आई रिचर्ड्स ने की थी चैप्टर वन और चैप्टर थ्री में उन्होंने बोला है कि टोन असेंशली ये वो स्टाइल है जिसमें आपका जो स्पीकर स्पीकर परसोना है वो एड्रेस करेगा रीडर को रीडर को समझते हुए रीडर सामने क्या है बेस्ड ऑन दैट वो अपनी टोन को चेंज करेगा तो एवरी डे स्पोकन लैंग्वेज में हम प्रॉबेबली टोन को ऐसे नहीं समझते हम जैसे किसी हमें लगा कोई को हमसे रूट टोन में बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि तुम मुझसे रूट टोन में बात कर रहे हो ठीक है हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे स्पीकर की है लिटरेरी एंड कॉन्टेक्स में जैसे आई रिचर्ड्स ने टोन को समझा है उन्होंने ये बोला है कि टोन वो नहीं है टोन असेंशली ये है कि जो स्पीकर जो स्पीकिंग पर्सोना है पहले वो अपने रीडर को अपनी रीडरशिप को समझता है और बेस्ड ऑन दैट वो अपनी टोन को मॉडिफाई कर सकता है तो उसकी जो टोन है वो एफर्मेटिव भी हो सकती है वो uh, सजेस्टिव भी हो सकती है वो एक्सप्लेनिटोरी भी हो सकती है डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है उसकी जो टोन है वो uh, अपोलोजेटिक भी हो सकती है या फिर रूड एंड अग्रेसिव भी हो सकती है जो परसोना है उस उस वर्क का जो स्पीकर है उसे अवेयरनेस होती है कि वो किस तरीके की रीडर से डील कर रहा है बेस्ड ऑन दैट जो है वो अपनी टोन को चेंज करता है तो उन्होंने क्या बोला द टोन ऑफ हिज अटरेंस रिफ्लेक्ट्स हिज सेंस ऑफ हाउ ही स्टैंड टू दोज ही इज अड्रेसिंग इट इज द एटीट्यूड ऑफ द लिटरेरी स्पीकर टू हिज लिसनर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है जो आए ए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वर्क में दी थी कि ये ये एक स्पीकर का जो पर्सोना है हमारे लिटरेरी वर्क का ये उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द रीडर तो वो जो वो जो स्पीकर पर्सोना है वो एक डेड एंटिटी ना हो कि एक लिविंग एंटिटी है एक बुक में उसको अवेयरनेस है कि वो किस तरीके के रीडर से डील कर रही है बेस्ड ऑन दैट वो अपनी टोन को चेंज कर लेता है मिखेल बागतन ने कहा था सिंपली दैट इट इज़ द इंटोनेशन इंटोनेशन जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो जो भी आप बोल रहे हो वो उसकी जो एंडिंग साउंड है वो उसका इन्फ्लेक्शन कहाँ जा रहा है हाई टोन में जा रहा है लो टोन में जा रहा है एंड इट इज़ ओरिएंटेड इन टू डायरेक्शंस मिखैल बाख्तिर ने एक एडिशनल डायरेक्शन यहाँ पे ऐड कर दी वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा स्पीकर है किसी भी वर्क का एक तो वो एड्रेस कर रहा है अपने रीडर को दूसरा वो एड्रेस कर रहा है उस चीज़ को भी जिसके बारे में वो बात कर रहा है ठीक है मान लो मैं एक थर्ड पर्सन नैरेटर हूँ और मैं अपने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने रीडर को दे रही हूँ क्योंकि मेरा रीडर मेरी बुक को पढ़ रहा होगा तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आई रिचर्ड्स कहते हैं कि मेरा टोन वो होगा जो मैं अपने अज्यूम लिसनर की तरफ रिफ्लेक्ट करूंगी मिखाइल मेख्याल ने एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं वो कह रहे हैं मेरी टोन इस बात पे डिपेंड करेगी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी पहली बात कि मेरा रीडर किस तरीके का है दूसरा जिसके बारे में मैं बा, बात कर रही हूँ वो कौन है या वो क्या चीज़ है वो कैसा है तो मेरी टोन जो है इन दो एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करेगी ये दो चीज़ें यहाँ पर है सो वन इज़ द वन इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर

ठीक है ये इस ऐसे में की थी जो उनका पब्लिश हुआ था इन दिस वर्क कॉल्ड फ्रॉइडिज्म अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक ट्रांसलेटेड इन 1976 क्लियर इतना क्लियर है सबको इन अ लिटरेरी नैरेटिव द नारिटी इज़ समाइम्स एक्सप्लिजिटली आइडेंटिफाइड अब जो अगर अब अब अगर हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमारा जो परसोना है वो किसी रीडर की तरफ या किसी लिसनर की तरफ ऑडिटर की तरफ सजेस्ट करता है उसके हिसाब से बोलता है उसके हिसाब से अपनी टोन को मॉडिफाई करता है तो इसमें हम ये भी फिर अब अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक लिटरेरी वर्क है उसमें एक लिसनर या एक ऑडिटर की एग्जिस्टेंस भी है वो भी जिंदा है उसमें तो ये लिसनर या ऑडिटर कौन है ये आ, हमारा रीडर भी हो सकता है ये एक साइलेंट अज्यूम्ड लिसनर भी है जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है ये एक लिविंग स्पीकिंग ऑडिटर भी हो सकता है तो टर्म हम यहाँ पे इम्प्लाइड ऑडिटर की यूज़ कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि टोन जो है एक पर्सोना की या स्पीकर ऑफ द वर्क की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किसको अपना डिस्कोर्स किसकी तरफ अपने डिस्कोर्स को डायरेक्ट कर रहा है किसको वो ये बात कह रहा है पहली बात और दूसरी बात वो जिसको ये बात कह रहा है वो उसकी तरफ अपना क्या एटीट्यूड रखता है तो ये जिस वो जिसकी तरफ अपना डिस्कोर्स डायरेक्ट कर रहा है वो उसका इम्प्लाइड ऑडिटर या इम्प्लाइड लिसनर है और ये पर्सपेक्टिव आगे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो हैं यूज़ करेंगी फॉर एग्जांपल द रेजिस्टिंग रीडर द रेजिस्टिंग रीडर के ऊपर यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस तरीके से या तो पब्लिकेशन ईयर पूछा था आपसे या शायद मैच द तो कॉलम में इसको दिया था रजिस्टिंग रीडर है जूडेट फेटरली की जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना भी हमारे पास लिटरेरी वर्क है एसेंशियली वो इसलिए भी काफ़ी हद तक जो है आ, आ, क्या कहते हैं पेट्रियाकल है बिकॉज जो एक मेल राइटर है वो एक मेल परसोना क्रिएट करता है लिट्रे वर्क में वो जो स्पीकर का परसोना है वो एक मेल ऑडियंस को ही एड्रेस कर रहा है ठीक है हमारे पेट्रियाकल सेटअप में ये लिटरेचर की जो बॉडी है जो मेल ऑथर्स ने क्रिएट करती है उनके इम्प्लाइड ऑडिटर्स उनके इम्प्लाइड लिसनर्स भी मेल होते हैं और ये वो मेल ऑथर्स हैं मेल लिसनर्स हैं जो स्पीकर के पेट्रियाकल नोशंस को नॉर्म्स को आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं

राइट ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे आज ये यूजीसी में इस बार पेपर में पूछा भी हुआ है गायनोक्रिटिसिज्म की डेफिनेशन पूछी हुई थी अब यहां से थर्ड पर्सपेक्टिव आता है वॉइस का वॉइस क्या है वॉइस क्या है किसकी होती है इसके ऊपर फोर्थ सेंचुरी बीसी ने अरिस्टोटल में अपने पोइटिक्स में बात की हुई है एरिस्टोटल जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक रेटोरिशियन भी थे वो लॉजिक uh, पे भी लिख रहे थे रेटरिक पे भी लिख रहे थे ऑरिट्री पे भी लिख रहे थे फिलोसफिकल वर्क्स भी लिख रहे थे तो उन्होंने बोला कि जब हम एक स्पीच सुनते हैं हम एक ऑडिट्री सुनते हैं वो एक ऑडिटर की होती है एक स्पीकर की होती है मतलब जब हम एक स्पीच सुन रहे हैं तो हमें एक्जैक्टली exactly पता है कि वो सोर्स ऑफ वर्ड क्या है इस वक्त आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो तो आप लोगों को पता है इस वक्त कि मैं इट इज़ मी जहाँ से ये वर्ड्स आ रहे हैं जब हम एक लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें वो वॉइस आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है इसको आप कनेक्ट करेंगे वापस उस परसोना से कि अगर हमारे वर्क में हम कुछ पढ़ रहे हैं हमें कुछ बताया जा रहा है वो कहीं से तो वो आ रहा होगा अब वो कहाँ से आ रहा है वो एक स्पीकर से आ रहा है उस स्पीकर को हम एक ह्यूमन फेस देने की कोशिश करेंगे इसलिए हमने उसको परसोना बुलाया है तो एक तो ये वाली बात हो गई एक दूसरी बात यह भी है कि जब भी एक कॉन्शियस रीडर एक लिटरेरी वर्क को रीड करता है वो साथ साथ इस अवेयरनेस में भी रहता है कि ये परसोना तो एक अज्यूम्ड परसोना है इसके ऊपर एक ऑथर भी बैठा है जिसने प्रॉबेबली इस परसोना को क्रिएट किया है तो ये जो परसोना है ये जो स्पीकर है उस वर्क का उसकी जिसकी वॉइस हम सुन रहे हैं वॉइस हम सिर्फ स्पीकर की ना सुन के हम ऑथर की वॉइस भी यहाँ पे सुन रहे हैं इसको अभी मैं आगे अपने एक नेक्स्ट टेक्स्ट नेक्स्ट एक टर्म हम uh, आगे देखेंगे फिनलॉजी uh, जो कि है द फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को आगे मैं उस वाले कॉन्सेप्ट से भी जोड़ के आपको समझाऊंगी तो एवरी टाइम दैट वी रीड अ टेक्स्ट वी डेफिनेटली नो फॉर श्योर कि आइदर वी हैव अ फर्स्ट पर्सन स्पीकर और अ थर्ड पर्सन स्पीकर लेकिन इस अवेयरनेस के साथ साथ एक कॉन्शियस रीडर इस बात का भी अवेयरनेस रखता है कि इस लिटरेरी टेक्स्ट को लिखा किसी राइटर ने है किसी ऑथर ने है तो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियसनेस उसका पर्सपेक्टिव उसका ओपिनियन भी यहाँ पे आ रहा है इनफैक्ट ये जो पर्सोना है स्पीकर का ये कोई एक ये कोई गॉडली फिगर नहीं है डिवाइन फिगर नहीं है इनफैक्ट कंस्ट्रक्टेड फिगर है, है है, इसको कंस्ट्रक्ट करने वाला जो है वो है। तो हम एक टेक्स्ट को रीड करते हुए हर वक्त इस बात की अवेयरनेस रख रहे हैं कि हमें जो है एक ऑथर की वॉइस जो है उसमें सुनने को मिल रही है ठीक है और यही वो ऑथोरियल वॉइस है जो हमें परसुएट करने की कोशिश कर रही है उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है तो ये दो वॉइज हैं जो एक टेक्स्ट को पढ़ते हुए हम रीड करते हैं ये जो वॉइस है ये एक तो आपके स्पीकर की होती है और एक आपके ऑथर की होती है और वो जो ऑथर है वो स्पीकर की वॉइस में अपनी बात भी कह सकता है वो एक दूसरे कैरेक्टर को भी यूज़ कर सकता है दूसरे परसोना को भी यूज़ कर सकता है अपने बात को कहने के लिए ठीक है तो यहाँ से एक टर्म हमने कल परसों भी पढ़ा था पैथोस और इथॉस इथॉस असेंशली मैंने आपको बोला था आपकी जो लाइफ फोर्स है आपके अंदर जो एक लिविंग बॉडी है तो एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी भी लिटरेरी वर्क में ऑटोमेटिकली एक इथॉस डिवेलप हो जाता है क्योंकि हम इस बात की अवेयरनेस रख रहे हैं कि एक ऑथर है जो कि एक्चुअल वॉइस है उस लिटरेरी वर्क की तो उस ऑथर का इथोस हमें जो है उस लिटरेरी वर्क के थ्रू समझ आने लगता है ठीक है तो ये कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे हमें कही है ऑफकोर्स यही यही वो चीज़ है जो आगे जाके ग्रो करते करते वो ऑथोरियल वॉइस क्या है क्या नहीं है न्यू क्रिटिसिज्म में रीडर रिस्पॉन्स थियोरी में विम्सर्ट एंड बियर्सली के इंटेंशनल फैलेसी इन इन एस्पेक्ट्स में जो है वहाँ पे रोल प्ले करेगी सो so, एक तरफ हमने पीछे एक एम्प्लाइड ऑडिटर की बात की अब यहीं से हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे एम्प्लाइड ऑथर का ये इम्प्लाइड ऑथर का कॉन्सेप्ट जो है फॉर एग्जाम्पल देने वाले थे वेन वेन्सी बूथ सी बूथ ने इंप्लाइड ऑथर की बात की है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी स्पीकर की वॉइस के अलावा उनके परसोना के अलावा एक और परसोना है जो टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर रहा है ये वॉइस है उस ऑथर की जिसने उस लिटरी टेक्स्ट को क्रिएट किया है और उसने अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करके इस टेक्स्ट को क्रिएट किया उसकी ह्यूमन प्रेजेंस भी हमें हमारे वर्क में फील होती है उसकी वैल्यूज उसके बिलीव्स उसकी मॉरल विजन्स कंट्रोलिंग फोर्स की तरह एक्ट करती है उस टेक्स्ट को समझने के लिए कोर्स देन इन द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वर्ल्ड हम इसी आइडियोलॉजी को रीबूट uh, कर देंगे इसी को क्वेश्चन करेंगे हम रीडर रिस्पॉन्स थियोरी ले आएंगे जहाँ पर हम बोलेंगे नहीं कि जो ऑथोरियल इंटेंट है ऑथोरियल वॉइस है इंप्लाइड ऑथर है उसकी वॉइस ही सिर्फ मैटर नहीं कर रही ऑफकोर्स हम जो सोच रहे हैं वो भी यहाँ पर मैटर कर रहा है ठीक है जी यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे जोड़ूंगी फिनेमोलॉजी से लेकिन आई थिंक टाइम है बचा हुआ कर लेंगे हाँ जी अब इसी को मैं जोड़ूंगी फिनेमोलॉजी से वर्ड आप लोगों ने सुना है वहां से हम एक स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में आज लर्न करेंगे विच इज कॉल्ड फिनेमोलॉजी फिनेमोलॉजी की मैं सिंपल एक डेफिनेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ इट इज द फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस एक लाइन में जैसे 2017 में क्वेश्चन बना था यूजीसी में एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन था या डेफिनेशन दी हुई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी स्कूल ऑफ फिलोसफी है तो नेट ऐसे सवाल भी, भी आपसे पूछ सकता है हम यहाँ बात कर रहे हैं फिनेमोनोलॉजी की फिनेमोलॉजी जो है ये एक फील्ड है फिलोसफी की जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी कर रही है इसके साथ जो एसोसिएटेड थियोरिस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे तो ये थियरी असेंशली डिवेलप की थी जर्मन थिंकर एडमिंड हसल ने और फिर इसको आगे लेकर जाने वाले दूसरे हमारे थियरिस्ट थे नीचे आएंगे सॉरी वो नीचे को अभी मैं हाईलाइट कर लूंगी हसन ने असेंशली ये जर्मन वर्ड को यूज़ किया है लेबेन स्वेल्थ लेवे स्वेल्थ विच इन इंग्लिश मीन्स लिव्ड वर्ल्ड तो वो कह रहे हैं हम जो जानते हैं जो समझते हैं जो परसीव करते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं जो कॉम्प्रीह करते हैं वो सब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने अपने ज़िंदा रहते हुए क्या हम किस कॉन्शियसनेस में हैं हम क्या परसीव कर रहे हैं हम कॉन्शियसली क्या टेक इन कर रहे हैं हमने किस तरीके के एक्सपीरियंसिस डील से हमने किस तरीके के एक्सपीरियंसिस जिए हैं लाइफ में ये आ, आगे आ, ये ये इम्पैक्ट करेगा हमारी फ्यूचर लाइफ को फ्यूचर डिसीजनस को जैसे पीछे ने एक इम्प्लाइड ऑथर की बात की हम कह रहे हैं ये एक लिविंग परसोना है, है जो एक टेक्स्ट में क्रिएट हो जाता है क्योंकि एज अ रीडर हम कॉन्शियसली इस बात को लेकर अवेयर रहते हैं कि एक ऑथर होगा जिसने ये टेक्स्ट को लिखा होगा और उस ऑथर के जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स हैं वैल्यूज़ हैं मॉरल वैल्यूज़ हैं उसकी जो कॉन्शियसनेस है हम उस आ, उसको भी रीड कर रहे हैं उस टेक्स्ट में मिखाइल बागतन भी कुछ ऐसी बात ही करते हैं आगे जाके, है ना तो आ, जो हमारे ऑथर हैं हम उसके आइडिया को जो है यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं अब आ, इन्होंने कहा है आ, यही बात कही है कि आप जो ज़िंदा हो आप जो जी रहे हो ये आ, और आप किस तरीके से दुनिया को समझोगे देखोगे पढ़ोगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किस तरीके के लिए हैं फिर यहाँ से एक मुद्दा आ जाता है कॉन्शियसनेस पे कि हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है एक इंसान जो जिंदा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दुनिया को समझता है तो समझता कैसे है कॉन्शियसनेस के थ्रू समझता है और ये जो उसकी कॉन्शियसनेस है ये एक लिविंग एक्ट है ये एक लिविंग बॉडी है इंटेंशनल एक्ट है इंटेंशनल का मतलब ये नहीं है कि वो चीजों को एक्सपीरियंस करने की जान के कोशिश करता है इंटेंशनल एक्ट इसलिए बोला है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हर वक्त किसी चीज पे डायरेक्टेड रहती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जब तक मैं सोने की कोशिश कर रही हूं तब तक मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूं वंस आई स्लीप स्लीप के मोड में मैं जिंदा हूं लेकिन इस वक्त कॉन्शियसली मेरा ब्रेन किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है मैं अब सो चुकी हूँ मेरा माइंड अब एक वो सब कॉन्शियस जोन में जा चुका है इस वक्त मैं क्लास ले रही हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है इस वक्त क्लास लेने का वो ये है कि मेरे सामने मुझे स्क्रीन दिख रही हैं मुझे कैमरा दिख रहा है और मैं इस बात को लेकर कॉन्शियसली अवेयर हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है तो मेरी कॉन्शियसनेस इस वक्त आपकी तरफ इंटेंटेड है आपकी तरफ डायरेक्टेड है राइट right? सिमिलरली आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो आपका इस वक्त एक्सपीरियंस क्या है क्लास का कि हम मैम की क्लास देख रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं समझ रहे हैं क्यों क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस वक्त मेरी तरफ डायरेक्टेड है मेरी तरफ इंटेंडेड है तो इस वक्त मैं आपकी कॉन्शियसनेस का ऑब्जेक्ट हूँ आप मेरी कॉन्शियसनेस का ऑब्जेक्ट हूँ ठीक है कर दी मैंने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दी यहाँ पे ठीक है तो यही हासिल कह रहे थे हासिल कह रहे थे पहली बात तो फिनमोलॉजी इज द फिनामिनोलॉजी इज द फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इज गै गैदर्ड थ्रू ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज़ नॉट एन इट इज़ नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्ट रदर इट इज मच ऑफ एन इंटेंशनल एक्ट इंटेंशनल इन द वे दैट एट एवरी पॉइंट आर कॉन्शियसनेस इज इंटेंडेड टू समथिंग इट इज़ डिरेक्टेड टू समथिंग समथिंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एट ऑल एंड एवरी टाइम ठीक है ये उन्होंने जो है हमें बोला है क्लियर तो यहाँ से एक और बात भी हमें समझ में आती है uh, इसी थियोरी को उन्होंने आगे जाके एक्सपैंड किया था जब उन्होंने बोला था कि क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हर वक्त एक सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट uh, रहता है जिसकी तरफ हमारी कॉन्शियसनेस डायरेक्टेड रहती है uh, इसीलिए जब एक टेक्स्ट को एक ऑथर एक रीडर रीड read करता है तो ऑथर के पार्ट पे कुछ लूप होल्स हैं कुछ लैग्स हैं जो कुछ गैप्स हैं जो उस टेक्स्ट में हो सकता है रह जाएं लेकिन क्योंकि उस वक्त उस रीडर के लिए वो टेक्स्ट का जो नारेटिव है जो डिस्कोर्स है वो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अपने बिलीफ सिस्टम अपने लिव्ड एक्सपीरियंस अपनी वैल्यू सिस्टम से उस टेक्स्ट में कुछ गैप्स को फिल कर देगा तो जितना एक ऑथर रेलिवेंट है टेक्स्ट को मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए रीडर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट को मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए तो आप कह सकते हो कि फिनोमिनोलॉजी जो है कहीं ना कहीं वो रीडर रिस्पांस थियरी से जुड़ी हुई है हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है समझे इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे जोड़ के कनेक्ट करके समझने की कोशिश करोगे अभी हासल ने जो थ्योरी दी थी इसको आगे जाके एक्सपेंशन मिलती है इन द थियोरीज ऑफ हाइडेगर इन जर्मनी मॉरिस मर्लू पॉन्टी इन फ्रांस ये दो और थियोरिस्ट हैं हमारे जिन्होंने ऑफ ऑफकोर्स इस थियोरी को फ्यूचर में जाके एक्सपैंड किया था और ये इसके साथ इंट्रेंसिकली एसोसिएटेड हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थियोरिस्ट जो कि फिनोमिनोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं वो है पोलिश थियोरिस्ट रोमन इन गार्डन इन गार्डन ने बुक लिखी थी पोलिश जर्मन दोनों में लिखी थी ही अडेप्टेड द फिनमोलॉजिकल व्यू पॉइंट और उन्होंने अपनी थियोरेटिकल परसपेक्टिव में इस इस आइडिया को जो है यूज़ किया था इन्होंने यहाँ पे जो है एक्टिव रीडिंग की बात की है ठीक है तो ये जो रीडर रिस्पांस थियोरी जो हम इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हैं जो लेटर लेटर हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसकी रिफ्लेक्शन उसका आइडिया कहीं ना कहीं हमें उससे पहले देखने को मिल रहा था फॉर एग्जाम्पल इन गार्डन ने अपने वर्कस में एक्टिव रीडिंग की बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एट एवरी पॉइंट जो रीडर है उसकी कॉन्शियसनेस उस डिस्कोर्स पे उस नैरेटिव पे डायरेक्टेड होती है एंड वाइल डूइंग सो ही विल फिल आउट दोज एमटी स्पेस दोज एमटी लैगिंग्स जो उस टेक्स में अवेलेबल

वन क्लियर इसको मैं आगे ऑफ कोर्स कल थोड़ा एक्सपैंड करूंगी इसको मैं न्यू क्रिटिसिज्म के साथ जोड़ूंगी रीडर रिस्पॉन्स थियरी के साथ जोड़ूंगी फिर हम इसको जो है आगे लेकर जाएंगे आज की क्लास का टाइम यहाँ पे होता है खत्म मैं आप लोगों से अब मिलूंगी कल आ, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने आज किए हैं आई होप आप सबको जो है क्लास में मजा आया होगा आज से आ, हमारा दूसरा बैच लॉन्च हो रहा है यूजीसी नेट का सो सेकेंड बैच आज से शुरू हो गया है इसमें जो मैंने पहली क्लास ली थी वो ली थी लिटरेरी थियोरी की तो जितने भी स्टूडेंट्स इस नए बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं मैं आपको बताती हूं क्यों इंग्लिश इन इंडिया और लिंग्विस्टिक्स जब मैंने 18 दिसंबर से क्लास शुरू किए तो ये दो यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ लिंग्विस्टिक्स की आज शाम को आखिरी क्लास है कल मैं इसका टेस्ट ले लूँगी ये दो यूनिट्स मैं पेड क्लास में, में कंप्लीट भी करवा चुकी हूँ मतलब कल तक के कंप्लीट हो जाएंगे इन दोनों के मैं टेस्ट भी ले चुकी होंगी कल तक तो कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं देखनी बाद में आप प्लीज़ हमें ब्रीफ एक ओवरव्यू दे दो जो यूनिट्स हमारी छूट गई हैं तो उसके लिए हमने आज से एक सेकेंड बैच लॉन्च किया है इस सेकेंड बैच का फायदा क्या आपको मैं आपको बता देती हूँ आज इस बैच में मैंने लिटरेरी थियोरी से शुरू किया है अगले पंद्रह से बीस दिन में लिटरेरी थियोरी पढ़ाऊंगी फिर मैं कल्चरल स्टडीज पढ़ाऊंगी फिर हम आगे जाएंगे आपको ये पुरानी क्लासेस की जो है रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आप ये रिकॉर्डिंग्स देखो ठीक है साथ साथ आप मेरे करंट जो मैं लाइव क्लास लूंगी आप उसमें मेरे साथ आगे लाइव क्लास में बढ़ो जैसे ही मैं अपना वो एटीन दिसंबर को जो बैच शुरू हुआ था जैसे ही मेरा उसका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगा तो आपके एग्जाम से पहले अपने पास जितने दिन बचे होंगे उसमें मैं ये जो ये जो दो आपकी यूनिट्स हैं ये आपको इसका क्विक रिविजन दे दूंगी मतलब अब से पहले क्या होता था कोई बच्चा अगर बैच में लेट जुड़ रहा है उसको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलती थी अब मैं लेकिन ये करूंगी कि मैं आप लोगों को पेपर से पहले ये जो दो यूनिट्स हमने पहले कंप्लीट कर ली हैं इंग्लिश इन इंडिया और लिंग्विस्टिक्स की ये मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन दे दूंगी ताकि आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास का बेनिफिट भी मिले तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में क्लास देखी है कोई डाउट है वो आप लोग मुझसे बाद में तब पूछ सकते हो तो मतलब ऑर्डर चेंज हुआ है यूनिट्स का लेकिन एटलीस्ट टेन के टेन यूनिट्स का लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों को क्लास में मिल जाएगा तो आज से मेरा ये नया बैच शुरू हो गया है आप ये लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है चलेगा कैसे मैंने आपको समझा दिया है साइकिलकली चलेगा और इस साइकिल का आपको फ़ायदा ही है क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो गई है पेपर से पहले मैं क्विक रिविजन से आपको लाइव क्लास में भी ये टॉपिक्स फिर से क्विकली एक बार गो थ्रू करवा दूंगी तो आपको इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिलने वाला है तो सभी लोग जो है बैच में जुड़ जाएँ करंटली ठीक है कोड आपको मैंने बता रखा है बैच में जुड़ना कैसे वो भी मैंने आपको बताया ही हुआ है सबको पता ही है बार-बार <laughs> क्या खोल के दिखाऊं एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाना है मेरे अदर 247 के यूजीसी के कोर्स में जाना है यूजीसी नेट इंग्लिश यूजीसी इंग्लिश पे आ जाइए ये देखिए है ना ये मेरा फाउंडेशन बैच 2 आप लोगों को दिख रहा होगा फाउंडेशन बैच 2 आप लोगों को दिख रहा है इसमें जुड़ने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करोगे कूपन कोड एंटर करोगे वाई फाइव फोर टू कूपन कोड एंटर करोगे वाई फाइव फोर टू और ये बैच आपको वही फोर्टी सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज का साढ़े चार हजार रुपए का मिल हाँ बैच सेम है मैंने आपको समझा दिया है जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैंने ये दो यूनिट्स करवा दी हैं और आज से मैंने ये शुरू करवाया है तो जो बच्चे पहले क्या होता था जो बच्चे आज मान लो जिन्होंने ज्वाइन किया बैच में उनको सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग ही दिखती थी और यहाँ से वो लाइव ज्वाइन कर लेते थे अब उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि बैच को साइकिलिक नेचर में कर दिया जैसे ही मेरा जो अठारह दिसंबर से शेड्यूल बना है जैसे ही वो ख़त्म होता है आ, मैं पेपर से पहले आप लोगों को ये वाले जो यूनिट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको ये यूनिट्स लाइव में फिर से करा दूंगी मतलब जिनको एक्सेस नहीं मिला था पहले लाइव का उनको लाइव का एक्सेस फिर से मिल जाएगा क्विक रिविजन के थ्रू मतलब उतना डिटेल में नहीं करवा पाऊंगी जितना पहले किया था लेकिन डेफिनेटली डेफिन एक्स्ट्रा क्लास लेके या फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं आप लोगों को क्विक रिविजन यहाँ पे करा दूंगी तो सेकंड बैच में जुड़ने का ये फायदा है आपको कि सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी आपको पेपर से पहले मैं एक बार लाइव में भी जो है इन चीज़ों को कंप्लीट करवा दूंगी ये बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा इसलिए आज प्लीज़ इसमें जुड़ जाओ फिर से बता रही हूँ विद एवरी

अब इसको आप सिर्फ रिकॉर्डिंग में देखो वो आपका नुकसान है तो कोशिश करो कि बैच में जुड़ जाओ ताकि इसकी लाइव आपको आगे साथ साथ मेरे मिलते चली जाए ठीक है कोड आपको मैंने बता रखा है वाई फाई फोर टू डिस्काउंट अवेल करने के लिए सेवेंटी एट परसेंट का कोड ही आप लोग जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्लियर चलिए ठीक है थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हैव हाँ अ वेरी गुड डे कल मिलते हैं तीन बजे तीन देख बाय बाय